आइए आपके सामने खड़े हुए हैं, एक बार तुम कह रहे कि हमको जोरदार तालियों से सम्मान। और इस साधना शिविर का नाम निखिल शक्ति साधना शिविर रखा गया है। अब आप पूछेंगे कि निखिल शक्ति क्या होती है, निखिल शक्ति का आकलन कोई नहीं कर सकता, निखिल शक्ति क्या होती है इसका विचार भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि स्वामी कृष्णानंद जी को मिलने के बाद मेरी शक्ति जो काम की मेरे साथ रहकर, ये यही शक्ति है और उससे मैं आज साधना में आपके सामने बैठा हुआ हूं। तो मैंने इस शिविर का नाम निखिल शक्ति साधना शिविर दिया है। आप सभी को मौर्य जी आह्वानित करते हुए आमंत्रण देते हैं कि आप आए। मैं मौर्य जी से एक बार जयघोष करते हुए सभी को निम्बा व्यक्ति को आने का आह्वान और मार्ग कैसा है ये बताने का आह्वान करने की प्रार्थना करता हूं। उसके साथ साथ वाक्सर भी यहां आकर सभी का आह्वान करें और उसके पापलेट भी बांटे थे डॉक्टर मौर्य। और यहां आज जितने भी लोग आपके यहां खड़े हुए मेरे स्टेज पर मिल रहे हैं वे पैसों के धनी नहीं है, गुरु कृपा प्राप्त ऐसे साधक हैं जो दिल के धनी हैं। अपना शरीर गुरु को समर्पित करने के लिए किसी भी हालत में जब भी फुकारा जब भी मैं फुकारा करता हूं यहां आने वाले साधक ये आपके सामने खड़े हुए। मैं विजय मिस्त्री के साथ नागनाथ अष्टामोड़ के साथ उन सभी को यहां आह्वान करता हूं और मैं उनकी ओर से ताली बजाता हूं कि उन्होंने इस निधि चेतना केंद्र की सेवा उनकी दी थी, क्या रखेगी निधि चेतना केंद्र की उन्होंने क्या सेवा की। मैं इन सभी साधकों को चाहे वासर हो चाहे मोरे जी हो चाहे नागनाथ, आप नागनाथ के हालत अगर देखते हैं मैं बहुत सताता हूं उनको सुबह से शाम तक, बहुत बोलता हूं लेकिन काम बहुत लेता हूं। फिर भी मैं इतना कहता हूं कि अगर मेरी एक आवाज में दूं तो शायद भगवान भी या और कोई मेरी पत्नी भी आने में देर कर लेगी लेकिन नागनाथ देर नहीं करेगा, मैं उस मिनट में वहां ले जाएगा और मेरे काम के लिए तैयार रहेगा। मैं आप सभी को जो इस तरह अगर मैं आपको कहूं बताऊं तो आज संसार में सबसे बड़ा धनवान बोलने वाला व्यक्ति तो भी आश्रम को आगे गया है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता आपको, वो जो नंबर वन है आज धनवान के लिस्ट में, फोर्थ के लिस्ट में जो धनवान है वो लिस्ट के तीन ऐसे महान व्यक्ति तो इस आश्रम को आगे गए हैं। उन्होंने यह पूछा भी मुझे कि आश्रम से क्या देना है, मैंने कहा कुछ नहीं देना है। और मैं मेरे साधकों से अगर आप कहो तो भक्ति से लेता हूं या लुट कर लेता हूं लेकिन जरूर लेता हूं, इनके पास से प्रेम लेता हूं प्रेम देता हूं। जब कभी भी मेरी पुकार हो चाहे उनका कितना भी काम हो लेकिन नहीं ना कहते हुए इस निखिल चेतना केंद्र की शोभा बढ़ाने वाले इन साधकों को मैं रहूं या न रहूं यानी एक इनका नाम जरूर लेंगे, यहां का एक एक मनुष्य का जरूर नाम लेगा कि उन्होंने मेरे पुकार को सुना। उनकी सेवा मैं मेरे मन से और प्रभु शत्रुकेश्वर निकेश्वर से मैं समझता हूं धन आ जाएगा कल चला जाएगा, सुंदरता आ जाएगी कल चला जाएगी, हर पुत्र ये सब आज है कल चले जाएंगे, हमें संसार में छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमारे साथ न छोड़ने वाली एक ही शक्ति है और वो निकेश्वर की शक्ति है। वे हर जन्म में इनके साथ हो ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं और हर जन्म में जब भी मैं पुकारूंगा मैं स्वामी कृष्ण जी पुकारेंगे ये आवाज देते हुए फिर चैतन्यवान होकर आएंगे, ऐसा ही आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूं। मैं अगर एक का नाम लू तो नाम कम पड़ जाएगा लेकिन मुझसे जो इस संसार में प्रेम मिला है शायद धनवान आदमी को भी नहीं मिला हूं। मैं जिस प्रेम के लिए जिस प्रेम के लिए देवता भी तरसते हैं, जिस तौर पर के लिए देवता भी तरसते हैं उस प्रेम को मैंने प्राप्त किया है। चाहे विंकटाचार्य का परिवार हो मैं जब भी आवाज में वो आता है कभी भी मैं उनको पुकारू कि मैं आपको आना है आता है, वाक्सर ने तो ऐसे शिष्य तैयार किए हैं कि मैं उनका नाम कम लू और जब भी आवाज हो तो वाक्सर कहते हैं कि दुनिया में भेज रहा हूं आ रहा है काम। एक बार में ऐसा नहीं हुआ मैं आवाज दिया और वो नहीं आए और उन्होंने काम को ना नहीं कहा। अब उनको आदत सी पड़ गई है, गुरु पूर्णिमा हो या गुरु जन्मदिवस हो गुरु जी हमारी सेवा क्या है ये पहले पूछेंगे। मुझे पता है विजय जो
गुना में काम करते हैं, उनके साथ शादी है, उनका शरीर काम नहीं करता, वो बहुत थके हुए नजर आते हैं, उनको कुछ नहीं होता, फिर भी मैं आवाज दूं तो चले आते हैं, नाराज होकर भी या राज होकर भी चले आते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी जरूर दूर करता हूँ, ये भी मैं वचन देता हूँ कि इस पर नहीं तो जरूर उनकी नाराजगी को राज में बदलूंगा और मैं वो सब प्राप्त करने का आशीर्वाद दूंगा जो वह चाहते हैं। उनकी कितने की शादी आज राजी हो, अमोल सुराठी की हो या बारसी का परिवार हो, खुले हो या नागपुर जबलपुर से गायकवाड़ जी हो, स्वयं जी हो, मैं प्यार से पुकार उनका चाहे कितना भी कष्ट हो वो यहाँ आते हैं और मेरे घर में मेरे साथ देते हैं। बस मेरे को इन लोगों का प्यार धन से भी ज्यादा है, मुझे करोड़ रुपए नहीं चाहिए, इनका प्यार अगर हो तो ऐसे नहीं देता कि मैं 10 बालों का आगे मिलने सकती है। अब ऐसा देखा जाए गायकवाड़ पृथ्वीराज हो, ये सब लोग बड़े धनवान या बड़े बिलेंगियर नहीं है, लेकिन जब मैं फिकर हूं तो वो आवाज लेके गुली में आया। चाहे यहां का नागपुर का परिवार और चंद्रपुर का परिवार, यवतमाल का परिवार, उस्मानाबाद हो, चाहे छत्तीसगढ़ का परिवार हो, आज निर्मल जहां से छत्तीसगढ़ से भी आए हैं आज अपना दिल मन खोलकर यहाँ काम करते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ से आए अनिल हो, नेपाल से आए श्रीरंग हो, जो यहाँ के रहने वाले हैं किशन हो, अपना दिल खोलकर 24 घंटा 1 मिनट में नहीं सोचे मेरी आवाज को देखते हैं। दिलीप का नाम लो तो अब कम है कि वो काम दिमाग कम काम करता है, शरीर ज्यादा काम करता है, लेकिन सेवा मैं इनका जिनका भी नाम जितना भी नाम लोग को कम है, मैं उन सभी को मेरे पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि वे आखिरी दम तक इतनी चेतना के और इतनी शक्ति के साथ काम करता रहे और मिथे स्वामी जी उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि उनको बुढ़ापा आए ही नहीं और वे जीवन में काम करते रहे, जीवन में कर्मवान कर्म को प्राप्त करे, कर्म को प्राप्त करते हुए जिसे कर्म को प्राप्त होता है, जिसे कर्म होता है वो कभी पीछे हट नहीं है। वैसे ही गुंडूर के राजमौली जी हूँ, मैं जब भी पुकारता हूँ आते हैं, अमरावती के हमारे अग्रवाल जी हूँ, चंद्रपुर से अशीष दीक्षित हो, नागपुर से रमन हो, सतपुते जी हो, दीप काटे जी हो, नवाणी जी हो, आवाज दू तो जरूर आएंगे, लेकिन आवाज देना पड़ता है और यहाँ आवाज देने बिना ही कई लोग पूछते हैं कि आजकल बासर को और मौर्य जी को पूछना नहीं पड़ता, आया गुरु जन्मन में आया और गुरु पूर्णिमा आई तो गुरु जी हम ये भेज दे रहे हैं, ये बोलते हैं मुझे बोलना, मुझे पूछना तो नहीं पड़ता उनको क्या करना कि क्या भेजना है, यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता। यह एक उनके जीवन का अपना निजेतना केंद्र को अपना धर्म समझ कर काम करने का तरीका है कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरे घर में कोई भूखा ना रहे, कोई सभी लोग अच्छे रहे, इस स्थिति से वो लोग पूछ कर काम करते हैं और यह प्रेम एक परिवार में हो सकता है और ये आज मेरे परिवार के सदस्य हैं। चाहे हमारे परिवार के वो ईमान वहां बैठे हुए हों, लेकिन जो कार्य मुझे सौंपा है वो कार्य करते हुए जिन्होंने यह कार्य इतना सब कार्य करने में हम सभी का आभार मानता हूँ और जीवन भर उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनको बुढ़ापा न आए और वे कर्म करते हुए आगे जवान भी कर रहे और हर समय दक्षिण उनके साथ हो, उनको कार्य करने में सक्षम बनाकर आगे करते रहे, उनको रोग रुणक दारिद्र इन सभी से दूर हो जाए और श्रेष्ठता के साथ काम करें। अब इसमें मैं सब नाम लेने में अलग नहीं चुका हूँ तो आपको हमारे निजामवाद जिनका नाम नहीं लेना है लेकिन ले रहा हूँ, रघुचरण जी हो, सुभाष हो या उनके साथ खड़े अक्षय हो जो भंडारा से आया है, अपने आप को सुनता है लेकिन गाने आने पर अपने मुझे नहीं सुनता, गाने को छूट जाता है, गुरु को नहीं देखता गाने को ज्यादा देखता है, तो वो अपने नहीं या यहाँ के आश्रमवादी मनोज भंडारा हो, मनोज अगिस्ता हो, आज कभी भी मैं जब भी नाम लू वो लोग 1 मिनट के लिए भी निरुकते हुए काम करने के आते हैं और यह प्रेम मिलना देवताओं को भी यह प्रेम शायद ही कम मिलता होगा जबकि मैं मुझे वो प्रेम मिला और मैं दिल से आभार करता हूँ, कहता हूँ कि ऐसे प्रेम को मैं और भी प्राप्त करूँ, मुझे इतने लोग पसंद है, सारे संसार को बदलने के लिए शंकराचार्य ने 12 लोगों को पूछा था, मेरे रूप को इतने लोग दिए हैं, मैं सारे संसार को साधारण दृष्टिकोण बनाऊंगा, ये प्रेम करे इतने लोग करेंगे, बस है मैं ज्यादा चाहता भी नहीं और मैं ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं, साधना जिनमें साधनाएं ना हो वो लोग मुझे लेने वाले नहीं, मैं देने वाले नहीं, हम हमारे
पार्टी में नाम लें तो दत्तात्रेय है, कृष्ण मोहन है, गंगाचारी है, वेंकटेश है, इनको आवाज देना नहीं पड़ता, वो लोग अपने हो के आप आ जाते हैं और अपना काम में लेके रहते हैं। अब तुम पहले से समझेगा रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा समझे जाओगे, क्योंकि आपका आपको एक कार्य करना ही है। मैं आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूँ, कहता हूँ कि यह कार्य आपका यूं ही नहीं जाएगा। गुरु का किया हुआ कार्य यह नहीं सात जन्मों तक इसका फल मिलता है। यह वह बीज है जिसका आम का पेड़ आप एक बार बोल दो तो सात जन्मों तक वो आम का पेड़ फलते फूलते रहेगा और उसके फल आएंगे ही आएंगे। इसी तरह ऐसी बीज है जिसे आपने यहाँ बोया। आज हमारे पास मोहन सेठ जी की परमार्थ की फैमिली जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस कार्य को करती है, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे एक बुलावे पर एक सारा कार्य करती है। इस तरह मैं नाम जिनके जितने भी लोग कम है उड़ीसा से आए हुए प्रेम हो या अपने पूर्ण समर्पण के साथ में काम करते हैं, मैं जिनका नाम कम भी लूँ तो भी आप अगर कहो तो उनको काम कैसा देना है ये भी मैं जानता हूँ। हमारी रिया मैडम है, उनको काम भी नहीं सूझता, ध्यान के जितने फूल है निकाल के लाना और फूलों को गुरु को समर्पित कर देना या फूलों को मुरझा डालना, वो अच्छी तरह जाके ये सेवा जरूर करती है। ऐसी सेवा में बहुत कम लोग करते हैं, उन्हें भी सेवा देता हूँ कि वे ऐसे ही कार्य करते रहे। आज छत्तीसगढ़ से आए हुए लोगों को या फिर जहाँ से आए हुए लोगों को प्रकाश प्रदान करेगी जो साथ साथ मोदी परंपरा यहाँ है और करेगी, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, परिवार को आशीर्वाद देता हूँ और यह आपके पास भेज देता हूँ। अंधेरे में अगर यहाँ है तो स्टेज पर आ जाए। तेलुगु में एक मिनट में विचार करते हुए सत्यन जी ने अंधेरे में से कहा और अंधेरे ने उसको तेलुगु में उसको ही लिखा और उसका मुद्रण भी एक दिन में करके लाते हैं। उस तेलुगु की गुरुगीता का मुद्रण उन्होंने किया है, यह भी इस साल में आपको सभी लोगों को मिल जाएगा। यह गुरुगीता का कार्यक्रम चाहे अंजनेय जी हो या सत्यम जी हो, आगे रहे या न रहे, लेकिन उनकी गुरुगीता उनका नाम संसार को याद दिलाएगी और कहेगी उन्होंने तेलुगु में गुरुगीता दिया था। तेलुगु वाले उनके प्रति समर्पित हो और उनको मैं ये कहता हूँ कि गुरुगीता उन्हीं के हाथ से विमोचित हो जाए। ये अंजनेय जी है जिन्होंने हिंदी की गुरुगीता को तेलुगु में लिखा और उसका मुद्रण सत्यम जी ने और उन्होंने मिलकर किया है। आप सभी को समर्पित है और ये साल में गुरुगीता मिल जाएगी। यह गुरु जन्म दिवस इस बार जब उस्मानाबाद में मनाया गया था, वाक्सर ने यह ताल को देने के लिए उन्होंने मुद्रित किया है। यह वही कैसे थे वीडियो कैसे जो आने वाले प्रयोजन है, आज नहीं तो 100 साल के बाद अगर इस कैसेट को देखेंगे तो उस्मानाबाद में क्या हुआ इसका पता चलेगा। इसलिए ये निश्चित चेतना केंद्र में रखने के लिए उन्होंने दिया है और ये निश्चित चेतना केंद्र में रखने जाएंगे। यह फोटोग्राफ है और सिद्धांत सभी परिवार अच्छी चेतना केंद्र उस्मानाबाद की तरफ से हैदराबाद अच्छी चेतना केंद्र को भेंट के स्वरूप में दिए जा रहे हैं। इसका ऑनलाइन वाक्सर ही करेंगे। उन्होंने भी बहुत बड़ा कार्य किया है। आजकल लोग पढ़ते कम हैं और सुनते ज्यादा, वीडियो और टीवी देखना आदत ही हो गई है। उन्होंने भी बहुत बड़ा कार्य किया है। आजकल लोग पढ़ते कम हैं और सुनते ज्यादा, वीडियो और टीवी देखना आदत ही हो गई है। उन्होंने अपनी ओर से गुरुवाणी के रूप में दुर्लभ उपनिषद और गुरु गीता और गुरुवाणी इसका सीडी बनाया है और चेतना केंद्र को उन्होंने भेंट के रूप में किया है ताकि साधक इसे सुने। आपको सभी को पता है दुर्लभ उपनिषद गुरु जी का एक ऐसा दिव्य कथानक है या दिव्य स्रोत है या दिव्य स्तुति है जिसको एक बार साल का अपने घर में सुनता है तो उसमें एक सीधे सा वातावरण बनता है और गुरु जी का गुरु रूप से उसे उसको उन्होंने सीडी के रूप में किया है। मैं डॉक्टर सुधीर को सुना देता हूँ, वे सारी गुरुद्वारे करते हैं और उन्हें भेंट के रूप में चेतना केंद्र को दिया है। मैं उन्हीं के आकाश से दत्तु भैया को देने की बात करता हूँ, इनके चेतना केंद्र को दिया है। यह साल में रखे जाएंगे गुरुद्वारा परिषद है, उसमें गुरु गीता और गुरुवाणी है। जो भी चाहते हैं जो भी अपने घर में सुबह उस गुरु गीता का या गुरु परिषद का घर में लगाते हैं और उसको सुनते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि उस घर में ब्रह्मादि देवताओं का वास होता है। ऐसा ही रोजगारी उन्होंने किया है, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और ऐसा ही करने के लिए उन्हें करें। मैं उन्हें मित्रों से आशीर्वाद देता हूँ। त्रिपाठी जी आए हैं और दो शब्द कहना चाहते हैं आप सभी के पास। त्रिपाठी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। मैं यहाँ अपना अनुभव किशन
के माध्यम से मैं आदरणीय कर्तजी की तमाम शक्तियों को अपने व्यक्तिमत्व में बताकर जिन्होंने भारतवर्ष में प्राचीन साधनाओं का निर्माण किया है, प्राचीन साधनाओं से समस्त जगत को आंदोलित किया, ऐसे परम निखिलेश्वर आनंद जी से परिचय 3 साल में हुआ। कल जीवन में पहली बार मैं यहां पर पहुंचा, आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आत्मा से आत्मा का मिलन जब होता है तभी आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। जब तक साधक की आत्मा गुरु की आत्मा से नहीं मिलती तब तक इन दोनों आत्माओं का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। यह अनुभूति इन पिछले 2 दिनों में मैं यहां अनुभव कर चुका हूं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि सभी साधक भाई और बहने परमादरणीय गुरु जी अपनी आत्मा को गुरु की आत्मा से लगाए रखे, हमें एक न एक दिन परमात्मा से अपनी आत्मा को मिलाने का अवसर जरूर मिलेगा। धन्यवाद। मैं आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूं और राजेश को पूरे रूप से आशीर्वाद देता हूं। कहता हूं कि वो ऐसा ही गुरु कार्य करते रहे और श्रेष्ठ का किसान गुरु कार्य करे और सीधा आप ऐसे अनुभव करते उनका प्रेम ले रहा प्रेम है। मैं आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूं और राजेश को पूरे रूप से आशीर्वाद देता हूं। कहता हूं कि वो ऐसा ही गुरु कार्य करते रहे और श्रेष्ठ का किसान गुरु कार्य करे और सभी लोग इस केक की प्रदता को देखते हुए इस केक के खाने के लिए या केक को पूरी के जन्म दिवस पर एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए आप आनंद के साथ कार्या बजाएंगे ऐसे आशीर्वाद करता है। ऐसा ही और माता जैसी दशमानों की चाहता हूँ बलि करने के लिए इसी तलवार का यूज करूंगा और यह उन शत्रुओं को नाश करेंगे जो हमारे धर्म के प्रति इच्छा नहीं रखते हैं। मैं राजेश को आशीर्वाद देता हूँ कि आज शत्रुओं को प्रदान कर उनके शत्रुओं को उन्होंने नाश कर दिया, उनके शत्रुओं के सामने नहीं दिएंगे। आशीर्वाद देता हूँ सकते हैं कि जिस माला में हम दोनों भी छोटे हो जाते हैं ऐसी माला हमारे देखकर कहते हैं कि चिंता केंद्र में राजेश चांद माना चाहते हैं आपको।